जो उसकी स्थिति आई, जो आज तक के उद्योगपति चाहे जो भी है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग जो कर रहे हैं, चाहे जो किसान बेरोजगार जो भी हैं, सब लोग अभी चरमराए हुए हैं, उनके रोजगार जो है सही रूप से नहीं चल रहा है। बीजेपी जो बोल रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गया है। वो हमें तो एक मालूम है, हम तब सबसे पहले कहेंगे, कई बार हम बोले भी हैं कि उनके जो आला कमान है उनका इलाज कराएं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक कुमार। मुजफ्फरपुर पहुंचे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उन्होंने कई सारी बातों को इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सम्राट चौधरी का मानसिक हाल खराब है, वो कब क्या कुछ बोल देते उनको खुद अंदाजा नहीं रहता है, और कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। आइए पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 24 की जदयू भी कर रही है। देखिए, बीजेपी जो बोल रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गया है। वो हमें तो एक मालूम है, हम तब सबसे पहले कहेंगे, कई बार हम बोले भी हैं कि उनके जो आला कमान है उनका इलाज कराएं। उनसे लोग, सब लोग सुन रहे हैं, हम किसी को अभी तो उन्होंने क्या कहा, वो अपने नेता जो सुशील कुमार मोदी हैं उन पर ही बोला, तो किस पर कब क्या बोलेंगे खुद उनको अंदाज नहीं। हमारे नेता जो है न्याय के साथ समावेशी विकास की नींव दिए, और बिहार जो है पूरा परिवार उनका पूरा परिवार है बिहार, वो बिहार के लिए विकास के लिए दिन रात काम करते हैं। उनके तरह हम लोग नहीं हैं जो सिर्फ बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्हें हमारे नेता का एम है बस विकसित बिहार बनाना और देश की कायाकल्प करना। इसके लिए हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि देश में जो आज इतिहास को बदला जा रहा है, देश में जो लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, देश में जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया, सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिया, उसके लिए खतरा है। इसको बचाने के लिए सब जो विपक्षी मत हैं वो सब एक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और 2024 में इसका परिणाम जो है जनता भाजपा को हटाएगी और देश को बचाएगी। पहले भी बोले हैं भोज जो है, हम लोग तो शुरू से हमारी पार्टी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने क्षेत्र में सम्मान जो कार्यकर्ताओं के सम्मान के भोज देते रहे। इस सम्मान में NDA के जब हम अंग थे उस समय भी जो आदमी आरोप लगा रहे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उस खुद उस भोज में खा रहे थे, जो पहले हम और बढ़िए झुमझुम के खा रहे थे, मटन चावल का लुत्फ उठा रहे थे, आज क्या आपत्ति हो गया। और जो आप बोल रहे हैं शराब की बात कर रहे हैं, तो शराब आप प्रूफ करा, आप तो प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन आपके भोज में क्या होता है वो तो सब लोग जानते हैं। उससे कितना असर पड़ेगा? कहीं गुटबाजी नहीं है, जो हमारे दल के लोग हैं हमारे साथ हैं, कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है। और जो लोग इधर उधर कुछ हो रहे हैं, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, फीडबैक सभी लोग से दिन रात मिल रहे हैं। उनकी कोई समस्या होगी, उनकी कोई बात होगी, तब सुनते हैं। जो उसकी स्थिति आई, जो आज तक के उद्योगपति चाहे जो भी हैं, छोटे छोटे जो लघु उद्योग जो कर रहे हैं, चाहे जो किसान बेरोजगार जो भी हैं, सब लोग अभी चरमराए हुए हैं, उनके रोजगार जो है सही रूप से नहीं चल रहा है। आज तक जो नोटबंदी के कारण, उस समय भी कोई प्लानिंग करके नहीं लाया गया, और अभी हमें तो पूरे लगता है कि यह प्लानिंग के साथ एक अपने पूंजीपति साथी को ऋण माफ़ करने के लिए, उनको ऋण देकर पुनः फिर पैसा लेके लोगों का जो पैसा है, उन लोगों का पैसा लेके पुनः फिर उसको देके, और हमें पूरा विश्वास है कि पूंजीपति साथी को बाद में जब घोटाला कर देगा तो उसको माफ़ कर देंगे। इसके पीछे भाजपा का प्लानिंग है, और भाजपा का प्लानिंग पर्दा के नीचे काला सा प्लानिंग है। और हम ये सब अभी देख रहे हैं कि अध्यादेश लाया गया दिल्ली सरकार के साथ, तो जो लाया गया लोकतंत्र की हत्या ही नहीं है, तो किस तरह ये आपातकाल की स्थिति है, किस तरह देश जो है आज किस स्थिति में दौर किस दौर से गुजर रही, तो आप लोग सब लोग देख रहे हैं। जो आने वाला समय है, इस समय में जो है जनता जो है बख्शेगा नहीं, जनता जो है उखाड़ फेंकेगी, और इसी से हताशा और बेचैन है। जो पहले जो जिस समय में 2014 में सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम जो है इससे काले धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, और वही सब चीज़ छिपाने के लिए कहाँ हुआ, उसमें सफल हुए, उसमें तो विफलता हुई। काले धन तो सब ला के क्या उन्होंने किया, काले धन के पीछे जो है आप जानते हैं कि पूरे देश स्तर पर सभी जगह उन्होंने काले कमाई से जो है हर जगह जिला कार्यालय खोले, जिला भवन उन्होंने पार्टी का कार्यालय बनाया,
तो सब लोग समझते हैं क्या अडवाणी अंडानी का क्या हो रहा है, किस उसके साथ क्या गुजर रहा है, सब लोग जान रहे हैं, कोई बचा हुआ नहीं। तो आपने सुना कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कई सारी बातों का वहीं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा कटाक्ष कहा। उन्होंने कहा उनकी मानसिक स्थिति खराब है, उनका आला कमान इलाज करवाए। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो कहीं भी कुछ भी बयान दे देते उनको खुद अंदाजा नहीं रहता। तो कई सारी बातों को कहा, वहीं बिहार के सियासत को लेकर भी उन्होंने बड़ा कई सारी बातों का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा। वह बिहार को अपना घर मानते हैं, जिसको लेकर हमेशा वो करे करते रहते। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।